जो व्यक्ति कर्म और प्रत्ययों का संग्रह नहीं करते, जो हर एक चीज में संयमित रहते हैं, जो निर्वाण में विचरण करते हैं, उनकी गति जिस तरह आकाश में उड़ते पंछियों की गति नहीं दिखते, वैसे ही दिखते नहीं। इस तरह का अनमोल उपदेश महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती नगर के जेतवन विहार में रहते समय बेलत्थी शीश स्थापित के कारण कहते हैं। तथागत बुद्ध के वो अनमोल उपदेश तमपद ग्रंथ के अरंत वग्ग अंतर्गत इस तरह आया हुआ है। ये संसन्निचयो नाति ये परिज्ञात भोजना शून्यतो अनिमित्तो च विमोक्खो ये संगोचरो आकाशे वो शकुन्तानं गति ते संदुरन्नया। अर्थात जो कर्मों और प्रत्ययों का संग्रह नहीं करते, जिन्हें भोजन में संयत है, शून्यता स्वरूप तथा निमित्त रहित निर्वाण, जिनका गोचर भूमि अर्थात विचरण स्थान है, उनकी गति आकाश में पंछियों की गति की भांति अज्ञे रहती है। साधु, साधु।